हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है आपका साहित्य काव्य पुस्तक कुंज निर्धारित कवि, यानी कि जो भी आपके साहित्य के निर्धारित कवि हैं, जैसे आपके विद्यापति हो गए, कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से इसमें स्टडी करने वाले हैं, बट एमसीक्यू के फॉर्म में। जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो सारा एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिए, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं विद्यापति का। विद्यापति एक कवि है जिनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि विद्यापति का जन्म और मृत्यु का सही क्रम जो है वो आपका 1380 से लेकर 1460 तक है। 1380 का जन्म और 1460 में मृत्यु। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें, यानी कि उनका जन्म इनमें से कहाँ पे हुआ था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, मधुबनी बिहार में हुआ था। विद्यापति का जन्म हुआ था 1380 में हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे। तो देखिए, ये जो थे ना, ये आपके आदिकाल भक्त काल के संधि थे। किससे संधि कवि थे, तो वो है आपका आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति किस राजा के दरबारी थे। तो ये आपका जिस राजा के दरबारी थे वो राजा है आपका शिव सिंह के ये दरबारी थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्यापति की अधिकतर रचनाएं जो है ना वो आपकी मैथिली भाषा में मिलती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें कि इसमें से वो किन चीजों की रचना करते हैं। जैसे ऑप्शन ए में आपका है कार्तिलता की, पदावली की, कार्तिकताका की, या फिर उपर्युक्त सभी की। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन जो है ये सारा, ये तीनों का तीनों है ना। तो देखिए, हम लोग इसमें क्या देखें, विद्यापति की जन्म मृत्यु का दिन देखें कि जन्म उनका 1380 में हुआ था, मधुबनी में हुआ था। विद्यापति जो है वो आपके आदिकाल भक्ति काल के कवि संधि हैं। वहीं विद्यापति जो है वो आपके शिव सिंह के दरबारी थे, और ये जो है इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारे आपकी मैथिली भाषा में हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, पाए गए यहाँ पे होगा, ठीक है, कि विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए गए हैं। तो वो है आपका पूर्वांचल में। कहाँ पाए गए हैं, पूर्वांचल में पाए गए हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पाठ्य पुस्तक है विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से हुआ है। तो चलिए, आपके पास इसके लिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि ये आपका हृदय की पीड़ा की अवस्था में हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति को सिंगारी कवि किसने कहा है। तो जी हाँ, विद्यापति को सिंगारी कवि कहने वाले जो हैं वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को सिंगारी कवि कहा है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इन्होंने कार्तिलता को कहानी कहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है। तो जी हाँ, मैथिल कोकिल से जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि विद्यापति का जन्म कब हुआ। बिल्कुल लीजिए सहाय, कब हुआ, 1880 में, और मृत्यु कब हुआ, 1460 में हुआ। कहाँ पे इनका रहना था, तो वो है आपका मधुबनी बिहार में इनका जन्म हुआ था। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा, क्या कहा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप के कवि कहा। क्या बोला, अपरूप का कवि बोला ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है, ठीक है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका कार्तिलता। कार्तिलता जो है इसकी रचना आपका भृंग भृंगी संवाद में हुई है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे। तो जी हाँ, ये तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं ना किसके कवि थे, तो ये आपके
राजा शिव सिंह के कवि दरबारी थे ना, कि नरेश के, कौन सा नरेश के दरबारी थे, तो ये आपके राजा शिव सिंह के दरबारी थे। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। बिल्कुल ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपके शैव के अनुयायी थे। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे, तो वो आपके शैव के अनुयायी थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि वो कवि जिन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि मिली वो भी आपके कौन थे, विद्यापति थे। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया है। तो जी हाँ, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका आल्हा खंड। आल्हा खंड का प्रकाशन जो है वो किसने कराया है, तो वो है आपके चार्ल्स इलियट ने करवाया है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कृष्ण की रासलीला कि जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसकी शुरुआत जो है वो आपका पदावली काल से मानी जाती है ना। तो इसे आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पदावली ग्रंथ से मानी जाती है ना, किससे मानी जाती है, पदावली ग्रंथ से। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सिद्धों की भाषा को संध्या या फिर सांध नाम किसने दिया। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु की भाषा को संध्या नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके अध्वरज व मुनिदत्त सूरी है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मेघदूत और संदेश राशा की संदेश परंपरा किस ग्रंथ से मिलती है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनकी परंपरा जो है वो आपका बिसल देव रासों की ग्रंथ से मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा जो है वो आपका बिसल देव रासों की ग्रंथ से मिलती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति ने कार्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है। तो जी हाँ, विद्यापति ने कार्तिलता की रचना जो है वो आपका भृंग भृंगी संवाद में की है। चलिए इसी तरह आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो देखिए, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना जो है ना वो है आपका भरतेश्वर बाहुबली राशि। तो इसे आपको याद रखना है, ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका एक कविता पे आधारित है। आपका कविता का मैं फर्स्ट पंक्ति बताती हूँ जो है आपका कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मूवी रहे दू नायन। वहीं आपका लास्ट पंक्ति जो है वो आपका है कि धरनी धरी धनी कत बेरी बेरी बैसई पुनी तही उछई न पारा। ये आपका लास्ट पंक्ति है। इन्हीं दोनों पंक्ति के बीच में कुछ क्वेश्चन लिया गया जिसका आपको बताना है। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्ति की रचनाकार कौन है। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार जो है ना वो आपके विद्यापति हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे पंक्ति जो है वो नहीं दिखा पाई, लेकिन आपका फर्स्ट जो है वो आपका जो मैं बताई हूँ वो, और लास्ट पंक्ति आपका यही होगा। इसके बीच में आपका टोटल 3 से 4 पंक्ति है जिसको आपको इसमें देखना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी से रिलेटेड कि प्रस्तुत पद में कौन नायिका की वीरा दशा का वर्णन कर रही है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो है आपके नायिका की सखी। नायिका की सखी जो है वो इनके दशा का वर्णन कर रही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण से के विरोग में क्या करती है। तो देखिए, नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है, तो वो आपका वीरह के कारण नेत्र से आंसू पोछने लगती है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे आपका रसखान से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपका कृष्ण के बारे में सारे क्वेश्चन को इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वीरग्रस्त नायिका प्राकृतिक चीज़ों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका वीरग्रस्त नायिका प्राकृतिक चीज़ों के प्रति जो है वो आपका उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों में खो जाती है ना। क्या कैसी प्रतिक्रिया करती है, तो उनका प्रतिक्रिया होता है कि उपेक्षा कर माधव की स्मृति में खो जाती हैं। चलिए इसी तरह हमें आएगा क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी से। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी में कौन सा अलंकार है। ये आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपका इस जो पंक्ति था ना वो पंक्ति का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपके अनुप्रस्थ अलंकार। ये कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें आपका अनुप्रास्थ अलंकार जो है वो दिखाई देता है। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैसे व्यक्ति का संसार में
लोग विश्वास करते हैं। देखिए आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए खुद से कैसे लोगों पे लोग विश्वास करते हैं। तो जी हाँ, झूठे लोगों पे लोग जो हैं वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि झूठे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, तो वो है आपका कुरान शरीफ। इस्लाम धर्म की पुस्तक कौन सी है, वह है आपकी कुरान शरीफ, है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव शरीर का निर्माण कितने तत्व से हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। तो जी हाँ, इसमें कितना हो जाएगा, 5 तत्व से हुआ है ना। अभी कितना अच्छा लग रहा है, कितना एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को भी देखते चलना है ताकि आपका कभी भी इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो मिस ना हो। अगर गलती से पूछ भी दे तो आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे कंफ्यूज तो होने वाली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तदबीर किसे कहते हैं। देखिए अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आया ना दमदार क्वेश्चन। तो जी हाँ, तदबीर जो है ना वो आपका उपाय को बोलते हैं ना, उपाय दैट मीन्स तदबीर ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर की मृत्यु कब हुई। जन्म से पहले मृत्यु की बात हो रही है ना, तो कबीर की मृत्यु जो है ना वो आपका सन 1518 में हुई। जन्म कब हुई बताइए, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर, जन्म कब हुआ। तो जी हाँ, इनका जन्म जो हुआ था ना वो आपका हुआ था 1398 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन आपका आगे भी आएगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दी हूँ। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आसन मारी डिम्बधारी बैठ में सडिम धरनास क्या है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर ना। आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है आपका आडम्बर करना। इसका मतलब क्या हो गया आपका, आडम्बर करना ना, ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जैसी बाड़ी कष्ट ही काटे में बाड़ी क्या है। तो देखिए, जैसी बाड़ी कष्ट ही काटे में, बाड़ी जो शब्द है ना उसका अर्थ यहाँ पे बढ़ई है। क्या है, बढ़ई है, जो लकड़ी का काम करते हैं ना बेसिकली उन्हें कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हम तो एक एक करी जाना पद में ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना गया है। तो जी हाँ, इसे ईश्वर के प्रतीक के रूप में कुम्हार को माना गया है, जो घड़े का काम करते हैं, जो मिट्टी का कुछ भी चीज़ को बनाते हैं उन्हें माना गया है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संतो देखत जग बौराना पद में कवि का स्वर कैसा है। देखिए क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ रहा है कि इनका जो शब्द है ना वो कैसा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनका जो शब्द है वो आपका थोड़ा सा विद्रोह टाइप का है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्रोह का है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कमाल और कमली किसके संतान हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमाल और कमली जो है ना वो आपके कबीर की संतान है। किसके संतान है, कबीर की संतान है। कबीर के संतान कौन है, तो वह आपके कमाल और कमाली। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूप को जाना है। तो संत कबीर जी ने ईश्वर के सिर्फ एक स्वरूप को जाना है। सोचिए कितना अद्भुत बात है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कुम्हार कितने प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तन का निर्माण कर सकता है। तो देखिए, कुम्हार जो है ना वो बेसिकली एक ही प्रकार की मिट्टी को मिला करके बर्तन का निर्माण कर सकता है। चलिए वहीं आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कबीर जी ने प्रकृति के किस रूपों को एकाकार करना चाहा है। तो जी हाँ, कबीर जी ने जो है ना वो आपके पानी और पवन को एकाकार करना चाहा है। किसे, पानी और पवन को एकाकार करना चाहा है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसे देखकर सारा संसार लालच में पड़ जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वह है आपका माया। माया को देखकर सारा संसार जो है ना वो आपका लालच में पड़ जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना, आप इसका आँख मूंद करके आंसर दे दीजिएगा, है ना। तो कबीर जी के अनुसार ईश्वर जो है ना वो आपके कण कण में विद्यमान होते हैं, ना कि हृदय में। कहाँ विद्यमान होते हैं, कण कण में विद्यमान होते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हम तो एक एक करी जाना पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है। तो देखिए, इसमें ना कवि ने स्वयं को मस्ताना कहा है। क्या कहा है, मस्ताना कहा है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संतो देखत जग बौराना, बौराना का क्या अर्थ है। देखिए हाँ, संतो देखत जग बौराना में बौराना का मतलब जो है वो आपका बावला है। क्या है, बावला है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, संसार में सत्यवादी को लोग मारते हैं ना, तो पुरस्कृत करते हैं, ना ही आदर करते हैं, ना ही विश्वास करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, मारते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीवानी बोलने से औरों को
सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, सोच समझ के आंसर देने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं ना, इसके कारण ऐसा होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि साखी शब्द किसके तद्भव है। तो साखी शब्द जो है ना वो आपका साखी का ही तद्भव है। किसका तद्भव है, तो आपका साखी का तद्भव है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सखी शब्द किससे बना है। तो सखी शब्द जो है ना वो आपका साक्षी से बना है। किससे बना है, साक्षी से बना है। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि साक्ष्य का क्या अर्थ है। तो साक्ष्य का अर्थ बेसिकली प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्या होता है साक्ष्य का अर्थ, तो साक्ष्य का अर्थ होता है आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है। तो संत समाज में जो है ना वो आपका अनुभव ज्ञान की महत्ता है। किसकी महत्ता है, अनुभव ज्ञान की महत्ता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर की साखियों में किस भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो देखिए, कबीर की शाखाओं में जो है ना वो आपका यहाँ पे अवधी भाषा का, राजस्थानी भाषा का, भोजपुरी व पंजाबी सभी भाषा का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वहीं बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पार्ट का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साखी क्या है। तो बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, साखी जो है ना वो आपका दोहा छंद है। साखी क्या है, एक दोहा छंद है ना। किसका दोहा छंद है, तो कबीर दास जी की दोहा संघ है ना। वहीं दोहा छंद के क्या लक्षण है, तो दोहा छंद के जो लक्षण होते हैं ना, इसे थोड़ा सा समझिएगा ना कि दोहा छंद के लक्षण जो होते हैं ना वो 13 से 19 के विश्राम से 24 मात्रा, ये इसका आपका लक्षण होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है। तो जी हाँ, गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा जो है वो सत्य की साक्षी देते हुए करता है, या फिर साक्षी देता हुआ देता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ ना, कबीर का जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपका जो है वो जगह का नाम था काशी। इसका मैं पूरा नाम आपको क्या बताई थी, समराइज़ कीजिए। तो जी हाँ, पूरा नाम इसका क्या था कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे काशी बोला जाता है, के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। तो याद रखना है कब हुआ था, 1398 को हुआ था ना, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कबीर के गुरु कौन थे। ये आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो कबीर के गुरु जो थे ना वो आपके गुरु रामानंद थे ना। कौन थे, गुरु रामानंद थे। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है। तो देखिए, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने यही सुझाव दिया है कि निंदक पास रखने को कहा है। क्या बोला है कि निंदक को पास रखिए और अपने स्वभाव को निर्मल रखने का एक यही उपाय है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मिट्टी शब्द का अर्थ बताएं। मिट्टी शब्द का क्या अर्थ होता है, गेस कीजिए। तो जी हाँ, मिट्टी शब्द का अर्थ जो होता है ना वो मिटना होता है। क्या होता है, मिटना होता है ना। बोलते हैं ना, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसे बोला जाता है ना, कभी कभी सुने होंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर के अनुसार सुखी कौन है। तो देखिए, कबीर के अनुसार सुखी जो है वो आपका सांसारिक लोग जो सोते और खाते हैं वो है ना। कितना अजब सा बात है ना कि कबीर के अनुसार जो है वो सांसारिक लोग जो सोते हैं और खाते हैं वो क्या है, सुखी है ना। एक्चुअल में ऐसा होता है, अगर कबीर ने कहा है तो सही ही होगा, है ना। बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर के अनुसार दुखी कौन है। तो देखिए, कबीर के अनुसार दुखी कौन है, तो यहाँ पे अज्ञानी नहीं होगा ना। कबीर के अनुसार दुखी कौन है, तो वो है ज्ञानी। जो जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति क्या है, दुखी है ना। तो याद रखिए कि कबीर के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है ना, आपके अनुसार नहीं। कबीर के अनुसार दुखी कौन है, तो कबीर के अनुसार दुखी वो है जो ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है। तो देखिए, दीपक दिखाई देने से अंधेरा जो है वो अहंकार रूपी माया दूर हो जाती है, जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई देता है। इसका यही मतलब है कि दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है, क्योंकि अहंकार रूपी माया जो है वो दूर हो जाती है और ज्ञान रूपी दीपक जो है वो दिखाई दे जाती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, ईश्वर जो है वो कण कण में तो व्याप्त है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि मन में छुपे अहंकार के कारण ना। हमारे मन में बहुत सारे अहंकार हैं जिनके कारण हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, वगैरह वगैरह कह के टाल देते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाता।
तो या फिर बन पाया ना, तो कबीर के अनुसार ज्ञानी वो नहीं बन पाया जो मोटी पुस्तक पढ़ने वाला है। देखिए कितना अजीब बात है ना, कबीर के अनुसार ज्ञानी कौन नहीं बन पाया, तो जो मोटी पुस्तक पढ़ता है वो ज्ञानी नहीं बन पाया, ये भी बड़ा अजीब सा बात है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य जो है वो है जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। क्या है इनका साखियों का उद्देश्य, यानी कि जो भी पाठ लिखा जाता है ना उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना या फिर बताना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बीरा भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए, इसका भाव स्पष्ट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका भाव, तो जी हाँ इसका भाव जो है वो ये है कि जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करता है, ये इसका मतलब है ना। ये जो पंक्ति लिखा हुआ है उस पंक्ति का मतलब क्या है कि जब शरीर में किसी से बिछोड़ने का दुख हो तो दवा या मंत्र कोई भी चीज़ काम नहीं करता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है, तो संत कबीर ने जगत को वैराना बताया है। क्या बोला है कि ये जगह जो है वो क्या है, ये जगत जो है वो क्या है, वो बैगाना है ना, वैराना है ना, क्या है, वैराना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है, तो कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए आवश्यक जो है वो आत्मज्ञान को बताया है। क्या बोला है, जिसके पास आत्मज्ञान होगा वो व्यक्ति जो है वो सत्य को जान लेगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर जी ने किसका विरोध किया है, तो कबीर जी ने जिसका विरोध किया है वो है आपका आडंबर का, कबीर जी ने आडंबर का विरोध किया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सत्य को ना जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं, तो सत्य को ना जानने वाले लोग जो है आसन पर समाधि में बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं, आसन पर समाधि में बैठते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सच्चे मार्ग से भटक कर लोग क्या गाते हैं, तो सच्चे मार्ग से भटक कर लोग साखी शब्द गाते हैं ना, क्या गाते हैं, साखी शब्द गाते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लोग किसके नाम पर दिखावा करते हैं, तो लोग जो है ना वो बेसिक सा जो हम लोग जानते हैं वो धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा दिखावा करते हैं, ये भी प्रचलित है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, बेसिक सा दिखावा जो है वो धर्म के नाम पर ही होता है। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि घर घर मंत्र देने वाले लोगों को किसका अभिमान है, तो घर घर मंत्र देने वाले लोगों को जो है ना वो आपको ज्ञान का अभिमान है, किसका अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को क्या करना पड़ेगा, तो माया जाल में फंसे गुरु एवं शिष्य को जो है ना वो आपका पछतावा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि माया में रहकर लोग सिर्फ पछतावा ही करते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर ने खुदा किसे कहा है, तो कबीर ने खुदा जो है वो ईश्वर को कहा है, किसे कहा है, ईश्वर को कहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कुरान शरीफ का अध्ययन कौन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुरान शरीफ का अध्ययन जो है वो कौन करते हैं, मुसलमान लोग करते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि धर्म के नाम पर कौन कौन आपस में लड़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है कि धर्म के नाम पर कौन लड़ते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं, बाकी बौद्ध जैन नहीं लड़ते हैं, हिंदू सिख नहीं लड़ते हैं, हिंदू ईसाई नहीं लड़ते हैं, कौन लड़ता है, हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं, पता नहीं हमेशा क्यों होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर ने किसको एक माना है, तो कबीर ने ईश्वर को एक माना है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, क्या कहा है कबीर ने कि ईश्वर जो है वो एक है ना। आपका पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कोहरा शब्द जो है ना वो किसके लिए प्रयोग किया गया, तो वो बेसिकली आपका ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है ना। देखिए अभी हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कबीर जी की रचना के बारे में पढ़ रहे हैं कि कबीर जी ने जितने भी रचना किए हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पे भी आधारित है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कोहरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कोहरा शब्द जो है ना वो आपका ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, ये किनका शब्द है, ये सारा आपका कबीर दास जी का शब्द है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर ने तू ही किसके लिए प्रयोग किया है, तो कबीर ने तू ही शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया है, तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका परमात्मा के लिए प्रयोग किया है, तू ही शब्द किसके लिए, यहाँ पे तू होगा ना, चंद्र बिंदु यहाँ पे ऊपर में होगा, ठीक है, तो तू ही शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो वो है आपका कि परमात्मा के लिए प्रयोग किया है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर के अनुसार किसे देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, तो कबीर के अनुसार ना माया को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, माया बहुत खतरनाक चीज़ होता है बाबू, इसलिए इसके ऊपर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जगत किसे देखकर आकृष्ट हो जाता है, तो जगत जो है ना वो बेसिकली माया को देखकर आकृष्ट हो जाता है कि वाह
वो रो रहा है, वो कलप रहा है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा माया झलकता है ना, इसी को देख कर जगत जो है वो आकृष्ट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कबीर के अनुसार मनुष्य निर्भय कब होता है? तो कबीर के अनुसार मनुष्य जो है ना वो निर्भय माया को त्याग करने पर होता है ना, अगर उसके अंदर माया है दैट मीन्स वो निर्भय नहीं है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्या कहने पर जग मारने के लिए दौड़ता है? बताइए क्या कहने पे जग मारने के लिए दौड़ता है? तो जी हाँ, सत्य। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा सा चिकनी चुपड़ी बात कर रहा है, आप उसके बारे में कुछ सत्य बोल दीजिए तो आपके ऊपर भड़क पड़ेगा, है ना। तो जी हाँ, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है कबीर दास के अनुसार कि सत्य बोलने के बाद ना लोग मारने को दौड़ते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है? तो देखिए, सबके हृदय में क्या व्याप्त रहता है, ये आपका कबीर दास के अनुसार है ना। तो जी हाँ, सबके हृदय में ईश्वर जो है ना वो व्याप्त करते हैं या फिर व्याप्त रहते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूरदास से रिलेटेड है, अब हम लोग सूरदास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। देखिए, सूरदास जी किसके अन्य भक्त हैं? तो जी हाँ, सूरदास जी किसके अन्य भक्त है? तो वो है आपका कि श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन को। देखिए, अगर बेसिक्स अगर हम लोग देखें तो आपका सूरदास का जन्म जो है, इनका बेसिकली नाम जो है वो आपका सूरदास है। इनका जन्म जो है वो आपका 1478 में हुआ था, मृत्यु जो है वो आपका पारसौली में 1583 को हुआ था। बाकी हम लोग एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि गोपियाँ किस पर व्यंग्य कर रही हैं? तो गोपियाँ जो है वो किस पर व्यंग कर रही हैं, बताइए। तो गोपियाँ जो है वो आपका उद्धव पर व्यंग कर रही हैं ना। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे ना, हम लोग बेसिकली पढ़े हैं ना इन सारे टॉपिक को, गोपियाँ के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं, लगभग 9th या 10th में हम लोग पढ़े हैं ना, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किए हैं। मतलब हम लोग एक दोहा पढ़े हैं, उस दोहा में सारे क्वेश्चन को क्लियर किया गया। तो अगर आपको दोहा वो याद होगा ना जरा सा भी, तो इसमें आप बहुत बेझिझक सारे क्वेश्चन का आंसर ना दे पाइएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? तो गोपियों को ना प्रेम पीड़ा जो है वो सहन करनी पड़ रही है, हम लोग पढ़े हैं ना इन सारे क्वेश्चन को। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि उद्धव किसके पास रहकर भी उसके प्रेम में मोहित नहीं हुए? तो उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह छूते हैं जैसे डैस के पत्ते कमल के भीतर रह कर भी जल में अछूते रहते हैं, किसके समान? तो जी हाँ, कमल के समान ना उद्धव कृष्ण के प्रेम में उस तरह छूते हैं जैसे कमल के पत्ते कमल के भीतर रहकर भी जल में अछूते रहते हैं। देखे है ना, कमल का जो नीचे का पार्ट होता है वो सारा अंदर होता है, लेकिन फूल जो होता है वो ऊपर होता है, फूल पानी में टच नहीं करता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता, बताइए। जी हाँ, तेल में डूबी हुई गगरी को जल कभी भी स्पर्श नहीं कर पाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? तो जी हाँ, चींटियाँ जो होती हैं वो गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग देती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ मन की डैस को मन में ही दबाने की कोशिश कर रही हैं, क्या चीज़ को मन में दबाने की कोशिश करें? तो जी हाँ, अपने व्यथा को ना, गोपियाँ मन की व्यथा को मन में दबाने की कोशिश कर रही हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेज दिया? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उद्धव को ना, श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर उद्धव को गोपियों से मिलने के लिए भेज दिया। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि उद्धव आगमन ने गोपियों की वीर अग्नि को क्या किया? तो जी हाँ, उद्धव आगमन ने वीर अग्नि गोपियों के वीर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया ना, क्या कर दिया? प्रज्वलित कर दिया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि गोपियों की दशा डैश पक्षी की तरह हो गई थी, किस पक्षी की तरह हो गई? तो जी हाँ, गोपियों की दशा जो है ना वो आपका हारिल पक्षी की तरह हो गई थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि कौन पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है? तो जी हाँ, ये भी कौन सा पक्षी है? तो वह है आपका हारिल। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए होता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि गोपियों की दशा कैसी है, हारिल पक्षी की तरह हो गई है, जो एक ही चीज़ पर टिका हुआ है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान डैस के समान लगता है, किसके समान लगता है? तो वह आपका कड़वी ककड़ी के समान लगता है ना। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो है वो आपका कड़वी ककड़ी के समान लगता है।
वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि योग का क्या अर्थ है, बताइए योग का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, योग का अर्थ क्या होता है, बीमारियां दूर करना, मन को स्वस्थ करना, मन को एकाग्र करना, दैट मीन्स उपरोक्त सभी हो जाएगा ना, कि योग का अर्थ ये सभी होता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं है। तो गोपियों को योग का उपदेश की जरूरत नहीं है, इसे याद रखिएगा ना, किसकी उपदेश की जरूरत नहीं है, तो योग की उपदेश की जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है। हम लोग इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, हम लोग इसी के बारे में पहले पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में। तो जी हाँ, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने जो है ना वो राजनीतिक पढ़ रखी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उद्धव को बड़भागी किसने कहा है, गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, उद्धव को बड़भागी कहने वाले जो लोग हैं वो कौन है, गोपियाँ है ना, गोपियाँ क्या बोल रही है, उद्धव को बड़भागी बोल रही हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गुड़ चाटी जय पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ का क्या कहा गया है, मतलब गुड़ किसे कहा गया है। तो गुड़ जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उद्धव गोपियों को क्या संदेश देता है। तो उद्धव गोपियों को क्या संदेश देता है, तो उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश जो है वो देता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है। तो गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है, ध्यान में लाइए। तो जी हाँ, गोपियाँ जो है वो कड़वी ककड़ी उद्धव द्वारा दिए गए संदेश को कहती है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सौतो व्याधि हमको लाए आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है। तो व्याधि किसे कहा गया है, बताइए। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि व्याधि बेसिकली योग साधना को कहा गया है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। तो गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था, बताइए। तो गोपियों के अनुसार पहले से चतुर श्री कृष्ण थे, जो सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा करके फिर वापस चले जाते हैं ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सूरदास से रिलेटेड कि सूरदास ने किस भाषा में साहित्य की रचना की है, बताइए। तो सूरदास ने साहित्य की रचना जो है वो अवधी भाषा में की है। चलिए वहीं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सूरदास से रिलेटेड है, जो है आपका कि पुरिनी पात रहत जल भीतर तारस देह ना दागी, प्रसुत पंक्ति में कमल के पत्ते की विशेषता बताई गई है, बताइए कैसे बताई गई है। तो जी हाँ, इसमें कमल की विशेषता जो है वो आपका बताया गया है कि कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, यही इसमें कहा गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया, बताइए। तो गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण ले गए ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग साधना देता है। तो देखिए उसका नाम क्या है, उद्धव है ना, जो गोपियों को योग साधना देने आया था। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अपने आप को भोली और अबला कौन समझता है, बताइए कौन समझता है। तो अपने आप को भोली और अबला जो है ना वो बेसिकली गोपियाँ समझती है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ ने हरि यानी कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, बताइए किससे की है। तो जी हाँ, ये श्री कृष्ण की तुलना गोपियों ने किससे की है, तो वो है हारिल से की है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मन चक्री से क्या अभिप्राय है, बताइए। बहुत इजी इसका आंसर है ना, मन चक्री का अभिप्राय जो है वो मन की अवस्था से है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बताइए। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो जी हाँ, मधुकर शब्द जो है ना वो बेसिकली उद्धव के लिए गोपियों द्वारा किया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द श्री कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, है नहीं नहीं है। तो देखिए, एक घनिष्ठ मित्र ये आपका श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, अस्थायी प्रेम भी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, और कान्हा तो है ही है, जो नहीं है वो है आपका हलधर। हलधर जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि काव्य ग्रंथ सूरदास के जिस भाग में उद्धव गोपियों को योग संदेश देते हैं वह भाग किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वो नाम जो है ना, वो भाग जो है ना, वो बेसिकली आपका भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटनी जो पागी पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किसके समान बताई है, बताइए। ध्यान से सोचिए, बताइएगा ना। तो जी हाँ, तो बेसिकली गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जो है वो गुड़ में चिपकी चींटी के समान बताई है, जो उसमें चिपक करके गुड़ खाने जाता है और उसी में चिपक करके मर जाता है, उसके समान बताई है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अब जोग संदेशिनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही
उपर्युक्त पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जी हाँ इसमें आपका जो अलंकार यूज हुआ है ना वो है आपका अनुप्रास अलंकार का, इसमें प्रयोग किया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अप्रस शब्द का क्या अर्थ है, बताइए अप्रस शब्द का क्या अर्थ है। तो बेसिकली अप्रस शब्द का अर्थ जो है वो आपका अनासक्त है। क्या है अप्रस का मतलब? अनासक्त है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोपियों ने स्वयं को होरी क्यों कहा है, बताइए वे क्यों कहा है। क्योंकि वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसीलिए वे अपने आप को भोली बोलती है ना। यहाँ पे भोरी लिखा हुआ है लेकिन हाँ भोरी या फिर भोली वही सेम हुआ ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है, बताइए प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें आपका बेसिकली रूपक अलंकार है ना। चलिए वहीं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है, बताइए किस भाषा की प्रमुखता है। तो देखिए सूरदास के साहित्य में ना ब्रज भाषा की प्रमुखता है, इसे याद रखिएगा। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, बताइए। तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म जो है वो ये होता है प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना, दैट मीन्स उपर्युक्त सभी जो है वो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया हुआ है, बताइए किया था ना। तो गोपियों ने श्री कृष्ण को जो है ना वो मन से, वचन से, कर्म से, सभी से धारण किया है, दैट मीन्स अगर आंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कि सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, बताइए। तो सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, तो जी हाँ सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म जो है वो ये है कि प्रजा का हित करना, ये आपका सच्चा धर्म होता है सूरदास के अनुसार। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है, बताइए किसके लिए प्रयोग किया गया। तो जी हाँ प्रीति नदी जो है वो बेसिकली कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मन की मन ही मांज रही का अर्थ क्या है, बताइए। तो बेसिकली मन की मन ही मांज रही का अर्थ जो है ये है कि मन की बात मन में ही रहना, इसका मतलब यही होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियां सोते जागते दिन रात किसका ध्यान करती हैं, बताइए। बहुत ईजी है ना। तो जी हाँ गोपियाँ सोते जागते दिन रात श्री कृष्ण का ध्यान जो है वो किया करती हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ज्यो जल माहे तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी, प्रस्तुत पंक्ति में पानी की बूंद की कौन सी विशेषता बताई गई है, बताइए। तो जी हाँ इसमें जो पानी की विशेषता बताई गई है वो ये है कि पानी की बूंद जो है वो तेल लगी मटकी पर टिकती नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा ना लही, प्रयुक्त पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि अब धीरज क्यों धरना करे जब मर्यादा का पालन नहीं किया गया। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया गोपियों के अनुसार, बताइए। तो जी हाँ गोपियों के अनुसार कृष्ण ने जो है ना वो मर्यादा का पालन नहीं किया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं। तो गोपियाँ जो है ना वो बेसिकली अपने आराध्य श्री कृष्ण से जो है वो गुहार लगाना चाहती हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा, बताइए क्यों बोला बड़भागी। तो इसलिए बोला क्योंकि ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया, यानी कि उनका मजाक बनाया ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया, बताइए। वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया है कि उद्धव को बड़भागी जो है वो गोपियों के द्वारा कहा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास के उपास्य देव कौन थे, बताइए कौन थे। तो जी हाँ सूरदास के उपास्य देव जो है वो आपके श्री कृष्ण हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी। तो गोपियाँ जो है ना वो अपने मन की बात श्री कृष्ण से बताना चाहती है ना, यही इसमें इसका मतलब है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है ना। तो देखिए गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कवि सूरदास के गुरु कौन थे, बताइए। बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो कवि सूरदास के गुरु जो थे ना वो आपके वल्लभाचार्य थे ना, तो इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो दृष्टि ना रूप परागी
इस पंक्ति में किसने प्रीति रूप नदी में पैर नहीं डुबोया, बताइए किसने नहीं डुबोया था। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उद्धव ने नहीं डुबोया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मन की मन ही मांझ रही इस पंक्ति में किसके मन की बात मन में रह गई है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें बेसिकली गोपियों की मन की बात जो है उनके मन में ही रह गई, क्योंकि कभी कृष्ण उनके पास वापस लौट के नहीं आए और वो अपनी बात को कभी उनसे कह नहीं पाई। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती हैं, तो जी हाँ, किसका नाम जपती हैं, कृष्ण का नाम जपती हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा है, बताइए किसे देने को कहा है। तो देखिए, गोपियों ने योग संदेश उद्धव के माध्यम से उसे देने को कहा है जिसका मन जो है वो चंचल है, क्योंकि गोपियों का मन जो है वो चंचल नहीं, स्थिर है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के निम्नलिखित में से क्या भ्रमर का पर्यायवाची है, बताइए भ्रमर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि भ्रमर का पर्यायवाची जो है वो आपका मधुर है, क्या है, मधुर है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जकरी शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइए जकरी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जकरी शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ का रट्टा मारना, रट्ट लगाना ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि समूझी बात कह डैश के समाचार सब पाए, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान पर उचित शब्द का चयन कीजिए, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो जी हाँ, यहाँ पे बेसिकली आपका जो शब्द होगा ना वो आपका मधुकर होगा, क्या होगा, मधुकर शब्द होगा ना। समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इस तरह से होगा यहाँ पे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ग्यों पागी इस पंक्ति में निहित अलंकार बताएं, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इसमें आपका दृष्टांत अलंकार है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बीथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए, तो बीथा शब्द का तत्सम रूप जो है वो आपका व्यथा होता है, क्या होता है, व्यथा होता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं, बताइए। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं ना, तो गोपियाँ जो है ना वो बेसिकली श्री कृष्ण से जो है वो गुहार लगाना चाहती हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है, बताइए। तो हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है, जिस तरह से हारिल पक्षी एक पाँव पे पेड़ को पकड़े हुए रहता है उसी तरह से गोपियाँ जो है वो कृष्ण से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, इसीलिए गोपियों की तुलना जो है वो हारिल पक्षी से की गई है। उद्धव की योग संबंधित बातें गोपियों को कैसी लगती है, तो उद्धव की योग संबंधित बातें जो है वो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया है, बताइए किस प्रकार धारण किया है। तो गोपियों ने कृष्ण को मन से, वचन से, कर्म से, सभी से धारण किया है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जकरी शब्द का क्या अर्थ होता है, इसे हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा है। तो जकरी शब्द का अर्थ होता है रटना, किसी भी चीज़ का रट लगाना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है, बताइए किसे देने की सलाह दी है। तो देखिए, गोपियों ने योग रूपी व्याधि जो है वो उसे देने की सलाह की है जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, बताइए। तो मधुकर शब्द का प्रयोग जो है ना वो बेसिकली उद्धव के लिए हुआ है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कृष्ण व्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए। तो देखिए, गोपियों का मन जो है ना वो श्री कृष्ण जो है वो जाते समय चुरा ले गए, कहाँ से, व्रत से जाते समय ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, ये सारा क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हो चुका है ना। तो देखिए, गोपियों के अनुसार सच्चा धर्म वो है जो प्रजा का पालन करता हो, प्रजा के सुखों का ध्यान रखता हो और साथ ही साथ प्रजा को बिल्कुल ना सताता हो, उपर्युक्त सभी जो है ये आपका सच्चा राजधर्म का कार्य होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हरि है राजनीतिक पढ़ी आए जाहि सताए पद में किस शब्द की शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इसमें बेसिकली व्यंजना शब्द की शक्ति का प्रयोग हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूरदास का जन्म कब हुआ, बताइए। तो सूरदास का जन्म जो है ना वो आपका सन 1478 में हुआ है। वहीं सूरदास की मृत्यु कब हुई है, तो सूरदास की मृत्यु जो हुई है ना वो आपका कब हुई है, बताइए। तो वो आपका 1583 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1583 ईस्वी में। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सुरसागर
में लगभग कितने पद हैं बताइए, सूर सागर में कितने पद हैं? तो लगभग 500 पद है ना, सूर सागर में कितने पद हैं? 500 पद है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सूरदास की है ना, सूरदास की नहीं है बताइए। तो सूरदास की जो रचना नहीं है ना, वो है आपका साहित्य अमृत। देखिए सुर सारावली, साहित्य लहरी और सुर सागर, ये सारा आपका सूरदास का रचना है, बट जो नहीं है वो है आपका साहित्य अमृत, जो है वो आपका सूरदास की रचना नहीं है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास के, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है बताइए? तो सूरदास ने अपने साहित्य में श्री कृष्ण को प्रमुखता दी है। किसे प्रमुखता दी है? श्री कृष्ण को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है बताइए? किस रस की प्रधानता है? तो जी हाँ, सूरदास के साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है बताइए? किस भाषा की प्रमुखता है? तो देखिए सूरदास के ना साहित्य में ब्रज भाषा की प्रमुखता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कि सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है बताइए? गुण की बात हो रही है ना, तो सूरदास के साहित्य में माधुर्य गुण की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? माधुर्य गुण की प्रधानता है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है ना, तो उन्होंने उस पर व्यंग करने के लिए ऐसा किया है, कहा है ना, ऐसा कहकर बेसिकली गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि गोपियों ने उद्धव को अनासक्त रहने की तुलना किससे की है बताइए? किससे की है? तो देखिए गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना जो है वो कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से की है ना, जो उसके साथ होते हुए भी उसको छू नहीं पाता है उससे की है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, इसे हम लोग पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? बहुत ईजी है, उन्होंने वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को भोरी कहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि समूझी बात कहत दैस के समाचार सब पाए, उचित शब्द की पंक्ति का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका उचित शब्द? देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ पंक्ति लिखा गया है, इस पंक्ति को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे ये पाठ जो है वो मधुकर के बाद ये संपन्न हुआ, कि समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, ये इसका उचित जो है वो पंक्ति को पूरा करने का शब्द हो जाएगा। अगर यहीं अगर हम लोग देखें तो उद्धव से लेकर के आपका ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है? गर चाटी जो पागी में ख़त्म होता है, इसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि उद्धव को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया? पंक्ति में आपको देख के बताना, तो उद्धव को ना बड़भागी जो है वो गोपियों के द्वारा कहा गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कि अपरस्त शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए? अपरस्त शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसके अनुसार अपरस्त शब्द का अर्थ जो है वो आपका अनासक्त होता है। वहीं नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कि गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है बताइए? किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना जो है वो कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी दोनों से की है। ये आपका जो सूरदास के बारे में जो क्वेश्चन बचा हुआ है एक दो, उसमें से पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, कि प्रीति नदी में पाऊँ ना बोरियो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है बताइए? तो किस अलंकार का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे कवि ने जो है ना वो आपका बेसिकली रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना की गई है बताइए? अब यहाँ से तुलसीदास का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। तो देखिए तुलसीदास के दोनों पदों में जो है ना वो आपका भक्ति रस की व्यंजना की गई है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका, कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है बताइए? किस रूप में दिया है? तो देखिए तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय जो हुआ दिया है वो राम की दासी सीता के दास के रूप में दिया है ना, इसे याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं आगे का क्वेश्चन है आपके पास, कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? ये आपका पहला पद का है ना, ये पहला दूसरा पद आप याद रखिएगा, ठीक है?
तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय जो है ना वो आपका भिखारी के रूप में दिया है। किस रूप में दिया हुआ है? भिखारी के रूप में दिया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि रामचरित्र मानस किसकी कृति है, बताइए तो किसकी कृति है? तो जी हाँ, रामचरित्र मानस जो है ना वो आपका तुलसीदास जी की कृति है। किसकी कृति है? तुलसीदास जी की कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ये जो है ना वो बेसिकली आपका अवधी भाषा में रची गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, बताइए किस काल के कवि हैं? तो ये आपके भक्ति काल के कवि हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि दूसरे पद में भीख मांगते भिखारी के रूप में किसका परिचय दिया गया है, बताइए? तो बिल्कुल इजी सा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उल्टा हो गया है ना। तो बेसिकली तुलसीदास का परिचय जो है वो भिखारी के रूप में दिया गया है दूसरे पद में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसी को किस चीज़ की भूख है, बताइए तो किस चीज़ की भूख है? तो बेसिकली तुलसी जी को ना है वो आपका श्री राम के दर्शन करने की भूख है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसी ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, किसकी स्तुति की है, बताइए? तो तुलसी ने प्रथम पद में जो है ना वो सीता जी की स्तुति की है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, बताइए किस शाखा के कवि हैं? तो ये राम मार्गी कवि हैं। कौन है? राम मार्गी कवि है ना। देखिए आपका तुलसीदास के प्रथम पद और वहाँ पे जो लोग प्रथम पद देखे थे, ये दोनों क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पलटा करेगा, आपका दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में दिमाग कन्फ्यूज नहीं करना है। सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझदारी के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है, बताइए तो किस भाषा में है? तो जी हाँ, अभी तक हम लोग इसी क्वेश्चन को उल्टा पलटा करके पढ़ते आ रहे हैं कि तुलसीदास के पठित पद जो है वो आपके अवधी भाषा में है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, ये आपका आया मस्त क्वेश्चन। तो तुलसीदास के बचपन का नाम जो है ना वो राम बोला है, क्या है? राम बोला था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ, बताइए तो कब हुआ? तो जी हाँ, तुलसीदास का जन्म जो है ना वो आपका 1543 ईस्वी में हुआ। वहीं तुलसीदास का निधन कब हुआ, बताइए? तो तुलसीदास का निधन जो है ना वो आपका 1623 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1623 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुलसीदास का जन्म स्थान जो है ना वो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है, तो देखिए तुलसीदास की पत्नी का नाम जो है ना वो रत्नावली है, क्या है? रत्नावली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी कौन थी, तो देखिए तुलसीदास की प्रतिपालिका दासी जो थी ना वो उसका नाम था चुनिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे ना, याद रखिएगा यहाँ पे दीक्षा गुरु जो थे ना वो आपके थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग तुलसीदास के माता के नाम का, तो तुलसीदास के माता का नाम जो था ना वो आपका हुलसी था, क्या था? हुलसी था ना इनकी माता का नाम। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, तो तुलसीदास के पिता का नाम जो था ना वो आपका आत्माराम दुबे है, क्या है? आत्माराम दुबे था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहाँ के वासी थे, तो देखिए तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे ना वो बेसिकली आपके उत्तर प्रदेश के वासी थे। कहाँ के वासी थे? उत्तर प्रदेश के वासी थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो देखिए तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे ना वो आपके शेष सनातन भी थे और काशी के विद्वान भी थे। दैट मीन्स अगर आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त दोनों ना। आपका कि तुलसीदास कितने वेदों के ज्ञाता थे, तो देखिए तुलसीदास जो थे ना वो बेसिकली आपके कितने वेदों के ज्ञाता थे, तो जी हाँ वो आपके चार वेदों के ज्ञाता थे ना। चलिए वहीं आएगा क्वेश्चन है कि तुलसीदास कहाँ के स्थायी निवासी थे, तो तुलसीदास जो थे ना वो आपके काशी के स्थायी निवासी थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली, तो जी हाँ तुलसीदास ने टोटल 15 वर्षों तक काशी में शिक्षा ली। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हनुमान बाहुलक कितने छंदों की रचना है, तो हनुमान बाहुलक जो है ना वो बेसिकली आपका 44 छंदों की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान बाहु को स्वतंत्र करने पर कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियाँ
होती हैं। तो देखिए, हनुमान बाहु को स्वतंत्र करने पर ना कुल छोटी बड़ी जो आपकी कृतियां हैं ना, वो टोटल मिला के 13 कृतियां होती हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रामचरित्र मानस के रचनाकार कौन थे या फिर कौन है। तो रामचरित्र मानस के रचनाकार जो है ना, वो आपके तुलसीदास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामचरितमानस रचनाकार का आरंभ कब हुआ। तो देखिए, रामचरितमानस का आरंभ जो है ना, वो आपका सन 1631 में हुआ, राम जन्म की तिथि के अवसर पे। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रामचरितमानस का पूर्ण हुआ था, कब हुआ था रामचरितमानस का पूर्ण। तो देखिए, इनका पूर्ण जो था ना, वो आपका सन 1633 ईस्वी में हुआ था, राम सीता के विवाह के अवसर पे। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामचरितमानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, रामचरितमानस को पूर्ण होने में ना आपका 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का समय जो है ना, वो लगा था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसीदास अनुराग भरे प्रगातक स्वर्ग में गदगद कंठ से किस पद को गाया करते थे। देखिए, वो जो थे ना, वो आपका भरत भई ठारी कर जोड़ी जो है, इस पद को वो गाया करते थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसीदास किस शाखा के कवि थे। तो देखिए, तुलसीदास जो थे ना, वो किस शाखा के कवि थे। तो आपके वो राम भक्त के कवि थे। वहीं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए, रामायण के रचनाकार जो है ना, वो आपके वाल्मीकि हैं। कौन है रामायण के रचनाकार, तो वह हैं वाल्मीकि। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रामायण के बाद सर्वाधिक सफल लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है कौन सा है। तो जी हाँ, रामायण के बाद सर्वाधिक सफल लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति जो है ना, वो आपका रामचरितमानस है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वहीं आगे है आपके पास कि तुलसीदास की भाषा कौन सी है। तो देखिए, तुलसीदास की भाषा जो है ना, वो आपका अवधि भी है और व्रज भी है। दैट मीन्स उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि तुलसीदास व्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे। तो देखिए, तुलसीदास जो है ना, वो ब्रज भाषा का प्रयोग जो है ना, वो गीति काव्य के लिए क्या करते थे, किसके लिए, गीति काव्य के लिए किया करते थे ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये गोस्वामी जी अवधि भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे। अब यहाँ पे तुलसीदास की बात हो रही थी, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गोस्वामी की ना, कि गोस्वामी जो है वो अवधि भाषा का उपयोग किसके लिए क्या करते थे। तो वो जो थे ना, वो आप का सामान्य प्रबंधन रचना के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। किसका, अवधि भाषा का, कौन, गोस्वामी जी ना, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास का पूरा नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको घुमा के ऑप्शन दिया हुआ है, पहले आपके पास तुलसीदास गोस्वामी है और गोस्वामी तुलसीदास है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है ना, वो तुलसीदास का पूरा नाम जो है ना, वो गोस्वामी तुलसीदास है, ना कि तुलसीदास गोस्वामी, याद रखिएगा ना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो तुलसीदास का पूरा नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रामचरितमानस और विनय पत्रिका के रचनाकार किसने की। तो देखिए, इन दोनों का रचना जो है ना, वो आपके किसने किया, तो उसका नाम है बेसिकली तुलसीदास ने ना, किसने की, तुलसीदास ने की, किसका, रामचरितमानस और विनय पत्रिका का ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वैरव रामायण की रचनाकार है। वैरव रामायण की रचनाकार कौन है। तो जी हाँ, इसके रचनाकार भी आपके कौन है, वो है आपके तुलसीदास जी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कभुंग अम्र अवसर पाई पद के रचयिता है, इस पद के रचयिता कौन है। तो जी हाँ, इस पद के रचयिता जो है ना, वो आपके तुलसीदास है ना। तुलसीदास से बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि द्वार है भोर ही को जाऊँ पद के रचयिता है, इसके रचयिता कौन है। तो जी हाँ, इसके रचयिता जो है ना, वो भी आपके कौन है, तुलसीदास जी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आए का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवितावली के रचनाकार है, कवितावली के रचनाकार कौन है। तो जी हाँ, कवितावली के रचनाकार जो है ना, वो आपके तुलसीदास जी है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते। तो जी हाँ, तुलसीदास जो है ना, वो आपका समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो देखिए, दूसरे पद में तुलसी जी जो है ना, वो अपना पद जो है, वो एक भिखारी के रूप में दिए हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसी जी को किस वस्तु की भूख है। बहुत ईजी और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना ये, कि तुलसी जी का भूख जो है, वो बेसिकली किस चीज़ का है, भक्ति की भूख है ना उनके अंदर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसी के हृदय में किसका डर है। इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, तुलसी जी के
तो तुलसी जी के हृदय में जो है ना वो बेसिकली अपने उद्यमहीनता का डर है, इसे याद रखिए किस चीज की डर है, अपनी उद्यमहीनता का डर है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इस पास का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि राम स्वभाव से कैसे हैं। तो देखिए राम स्वभाव से बेसिकली अति कृपालु है, राम स्वभाव से कैसे हैं, अति कृपालु है। तुलसी अपना पेट किससे भरते थे या फिर किससे भरते हैं, बताइए किससे भरते हैं। तुलसी जी जो है ना अपना पेट राम नाम के नाम से भरते हैं, इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। तो देखिए कृष्ण गीतावली जो है ना वो आपका तुलसी जी की रचना है, इसे याद रखिएगा कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो तुलसी जी की रचना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं, बताइए कैसी सहायता मांगते हैं। तो जी हाँ, तुलसीदास जो है ना वो सीता से वाणी की सहायता मांगते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है, देखिए वही सेम क्वेश्चन आपके पास रिपीट हुआ है ना। तो तुलसी को जो भूख है ना वो भक्ति की भूख है ना, तुलसी को किसकी भूख है, तो भक्ति की भूख है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये वर्ड पढ़ने आता हो तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ये आपका लिखा हुआ है 1595 में ग्वालियर में हुआ था। कब हुआ था, बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई, तो बिहारी ने काव्य शिक्षा जो है ना वो आपका आचार्य केशव दास से पाई है, इसे याद रखिएगा ना, आचार्य केशव दास से पाई है बिहारी ने अपनी शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिहारी स्वभाव से कैसे थे, बताइए कैसे थे। तो जी हाँ, बिहारी स्वभाव से आपका रास रचाया थे ना, कैसे थे, रास रचाया थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की रचना का क्या नाम है, बताइए क्या नाम है। तो जी हाँ, बिहारी की रचना का नाम जो है ना वो बिहारी सतसई है। क्या है, बिहारी की रचना का नाम बिहारी सतसई है। आगे का क्वेश्चन है आपका कि बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है, बताइए कितनी रचनाएं उपलब्ध है। ये सब सारा क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, बिहारी की टोटल एक रचना जो है ना वो अभी उपलब्ध है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सतसई में कितने दोहे संग्रहित है, सतसई में कितने दोहे संग्रहित है, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए सतसई जो है ना उसमें बेसिकली आपका 731 दोहे जो है ना वो आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 731 नहीं ना, 713 ना, 713 दोहे जो है ना वो संग्रहित है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर है, तो बिहारी की कविताएं जो है ना वो आपका श्रृंगार रस से भरपूर है, इसे याद रखिएगा, किस रस से, श्रृंगार रस से भरपूर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की भाषा कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जी हाँ, बिहारी की भाषा जो है ना वो आपका मानक व्यवभाषा है ना, यहाँ पे मानक होना चाहिए ना, मानक व्यवभाषा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सतसई के मुख्यतः किस तरह के दोहे हैं, तो बताइए सतसई में बेसिकली किस तरह के दोहे हैं। तो जी हाँ, सतसई में आपका प्रेम और भक्ति के रस के दोहे हैं, याद रखिएगा ना, सतसई में मुख्यतः किस तरह के दोहे हैं, तो आपका प्रेम और भक्ति के रस के दोहे हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहों के लिए जाने जाते हैं, बताइए किस तरह के दोहों के लिए जाने जाते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहारी जो है ना वो मुख्यतः छंद दोहों के लिए जाने जाते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है, बताइए कब ढूंढने लगती है। तो जी हाँ, जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में छाया जो है ना छाया ढूंढने लगती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि बिहारी की नायिका नायक से क्या कहती है, बताइए क्या कहती है। तो जी हाँ, बिहारी की नायिका जो है ना वो नायक से उसके हृदय की बात स्वयं जानने को कहती है, क्या बोलती है कि उसके हृदय की बात अब खुद जानो ना, इस तरह से बोलती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सच्चे मन में राम बसते हैं, इसका स्पष्ट कीजिए, इस अर्थ को स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ। तो जी हाँ, सच्चे मन में राम बसते हैं का स्पष्ट जो है वो ये है कि हृदय की सच्चाई ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है ना, ये इसका स्पष्टीकरण है, आप बोल सकते हो इसका एक तरह का अर्थ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं, तो देखिए गोपियाँ जो है ना वो श्री कृष्ण की बांसुरी उनको रिझाने के लिए छुपा लेती है, इसे याद रखिएगा ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिहारी कवि ने सबकी उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया, बताइए क्या सुझाव दिया। तो जी हाँ, सबकी उपस्थिति में बात करने के लिए सुझाव दिया कि नैनों की भाषा का प्रयोग कीजिए ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मनो नीलमणि सेल पर आतपुर परियो प्रभात, इस पंक्ति में बिहारी क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं। तो जी हाँ, इस पंक्ति में बिहारी जो है ना वो ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना
नीलमणि पर्वत से कर रहे हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण की तुलना किससे कर रहे हैं बिहारी जी, तो वो है आपका कि नीलमणि पर्वत से कर रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया है, बताइए कैसे बनाया है। तो जी हाँ, जानवरों ने जगत को तपोवन तपती दोपहर में एक साथ रहकर बनाया है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सोहत का क्या अर्थ होता है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, सोहत का अर्थ जो है ना वो बेसिकली होता है सुहाना लगना। क्या होता है? सुहाना लगना होता है ना सोहत का अर्थ। यानी नहीं बोलते हैं गांव देहात में कि वो काफ़ी उस पर सोह रहा है, इस तरह से बोला जाता है कुछ कुछ वर्ड। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया है, बताइए क्या संदेश दिया। तो जी हाँ, इस पंक्ति में बिहारी ने संदेश दिया है कि आडंबरों से ईश्वर मिलते हैं ना। क्या बोला गया है? कि आडंबरों से ईश्वर मिलते हैं। चलिए वहीं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिहारी के दोहे की क्या विशेषता है, बताइए क्या विशेषता है। तो जी हाँ, बिहारी के दोहे की विशेषता जो है वो ये है कि गागर में सागर है, थोड़े शब्दों में बड़ी गहरी बात समाई है, ये इसका इनकी विशेषता है ना। चलिए वहीं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलमणि सैल का क्या अर्थ होता है, बताइए क्या अर्थ होता है। जस्ट हम समझे थे ना। तो जी हाँ, नीलमणि सैल का अर्थ जो होता है ना वो आपका नीलमणि पर्वत होता है। क्या होता है? नीलमणि पर्वत ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं, बताइए कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो जी हाँ, बिहारी के अनुसार ईश्वर जो है वो इस तरह से प्राप्त हो सकते हैं कि बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से जो है वो ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि राम कहाँ बसते हैं, बताइए इसका आंसर। तो जी हाँ, राम जो है ना वो आपके कण कण में बसते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है, देखिए तो श्री कृष्ण की तुलना जो है ना वो बेसिकली नीलमणि पर्वत से की गई है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी किए हैं प्रीवियस क्लास में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संदेश ना भेज पाने वाली नायिका कैसी है, तो जी हाँ, संदेश ना भेज पाने वाली नायिका जो है ना वो बेसिकली आपका बीरा और लोक लज्जा से भरपूर है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि केशव राय के दो अलग अलग अर्थ होते हैं, यहाँ पे केशव है और केशव राय है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, तो आपको बताना है कि दोनों में कौन कौन से अलग अलग अर्थ होते हैं। देखिए यहाँ पे केशव और केशव राय का मतलब मुरली और मनोहर होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ किस प्रकार से कृष्ण को खिझाती हैं, बताइए किस प्रकार से खिझाती है। तो जी हाँ, गोपियाँ जो है ना उनकी बांसुरी छुपाकर श्री कृष्ण को खिझाती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है, तो तपती दोपहरी ने संसार को तपोवन बना दिया है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी क्या कहते हैं। तो देखिए, आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी का कहना है कि आडंबर और पाखंड किसी के काम नहीं आते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कभी बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कर रहे हैं, तो कभी बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात जो है ना वो बेसिकली कृष्ण से कर रहे हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कवि ने मन की तुलना किससे की है, तो कवि ने मन की तुलना जो है ना वो बेसिकली कांच से की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिहारी ने माला तिलक को व्यर्थ क्यों माना है, बताइए क्यों माना। तो जी हाँ, बिहारी ने माला तिलक को व्यर्थ माना है क्योंकि उनके अनुसार ये बाहरी आडंबर है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, तो बिहारी ने बेसिकली बिहारी सरतय की रचना की है। किसकी रचना की है? बिहारी सरतय की रचना की है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिहारी की भाषा का नाम बताओ कौन सी है, तो जी हाँ, बिहारी की भाषा जो है ना वो आपका मानक ब्रज भाषा है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी एक पार्ट में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, जिसमें आपका ये जो आपका 1595 है ना वो आपका वहाँ पे प्योर हिंदी में लिखा हुआ शब्द है, तो ये आपका 1595 में ग्वालियर में हुआ है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है सरतई में कितने दोहे हैं, तो बेसिकली सरतई में टोटल 750 दोहे हैं ना, याद रखिएगा सरतई में कितने दोहे हैं, 750 दोहे हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर है, बताइए तो किस रस से भरपूर है। तो जी हाँ, बिहारी की दोहे जो है ना वो आपका श्रृंगार रस से भरपूर है।
वहीं आय का क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है, बताइए किससे की गई। तो जी हाँ, श्री कृष्ण की तुलना जो है ना वो नीलमणि से की गई है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को कैसा बना दिया है। तो जी हाँ, भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को जो है ना वो आपका तपोवन बना दिया है ना। तपोवन के बारे में हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं ना, बट दोनों का क्वेश्चन जो है यहाँ पे अलग अलग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दीर्घ दाग का अर्थ बताओ, दीर्घ दाग का अर्थ क्या होता है। तो जी हाँ, दीर्घ दाग का अर्थ भयंकर गर्मी होता है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कृष्ण द्वारा बांसुरी के लिए सौगंध देकर पूछने पर गोपियाँ क्या करती हैं। तो इस तरह से पूछने पर गोपियाँ जो है ना वे भौवें से हंसती हैं ना, क्या करती हैं, भौवें से हंसती हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी की नायिका कागज़ पर संदेश क्यों नहीं लिख पाती। तो बिहारी की नायिका कागज़ पर संदेश इसलिए नहीं लिख पाती क्योंकि लिखने से सबको पता लगने का डर है, इसीलिए वो नहीं लिख पाती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी कवि के पिता का नाम क्या है। तो बिहारी कवि के पिता का नाम जो है ना वो आपका केशव दास है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बिहारी के अनुसार सच्चे मन में कौन बसता है। तो जी हाँ, बिहारी के अनुसार सच्चे मन में राम बसते हैं ना। तो नहीं आपके पास कि काल ही काऊ कितनों समुझे है पंक्ति में निहित अलंकार बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो जी हाँ, इसमें जो अलंकार आपका है ना वो आपका है अनुप्रास अलंकार है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती, बताइए क्या रीजन हो सकता है। तो जी हाँ, इसका कारण है कि वो इसे अपने अधरों से इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि यह मुरली को अपनी सौत समझती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सखी के कहने पर गोपियाँ क्या क्या सॉन्ग करती हैं, बताइए तो क्या क्या सॉन्ग करती है। तो जी हाँ, सखी के कहने पर वो जो है ना वो कृष्ण जैसे कपड़े पहनती हैं, गले में पुंज की माला पहनती हैं, साथ ही साथ वह सिर पर मोर का पंख भी लगाती है। दैट मीन्स उपरोक्त सभी कार्य जो है वो करती है वो ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रसखान अपनी आँखों से क्या देखना चाहते हैं। तो जी हाँ, रसखान जो है ना वो अपने आँखों से ब्रज के वन बाघ और तड़ागों को देखना चाहते हैं ना। चलिए वहीं आएगा क्वेश्चन है आपके पास कि लकुटी और कमरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है। तो जी हाँ, लकुटी और कमरिया पर जो है ना वो आपका तीनों लोकों का राज्य जो है वो निछावर किया जा सकता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रसखान ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं, बताइए क्या कारण हो सकता है। तो जी हाँ, ये आपका रसखान जो है वो ब्रज में इसलिए बसना चाहते हैं क्योंकि ब्रज कृष्ण की लीला की भूमि है ना, इसलिए वो वहाँ पे बसना चाहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रस खान की कविता का मूल भाव क्या है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, रस खान की कविता का मूल भाव जो है ना वो भक्ति है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रस खान की नहीं है, है नहीं, इसमें आपको बताना है कि नहीं है। तो देखिए, सुजान रस खान, ये रस खान की रचना है। प्रेम वाटिका, ये भी रस खान की रचना है। रस खान साहक, ये भी रस खान की रचना है। जो नहीं है वो है आपका प्रेम पचीसी। प्रेम पचीसी जो है वो आपका रस खान की रचना नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रस खान का जन्म हुआ, तो देखिए रस खान का जन्म जो है ना वो आपका 1548 ईस्वी में हुआ है ना, कब हुआ है 1548 ईस्वी में, याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्यों प्रदान कर रही है। तो जी हाँ, इसका कारण यह है कि सुबह का नाश्ता के लिए उसे प्रदान कर रही है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है, बताइए। तो भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है। तो जी हाँ, भूषण ने समुद्राग्नि से शिवाजी की तुलना की है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो भूषण ने जो रचना की है ना वो आपका अवधी भाषा में सभी चीज़ों की रचना की है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। तो जी हाँ, इसमें जो अलंकार आपका है ना वो आपका है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कवित रस के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, बताइए। तो इसमें किस रस की अभिव्यंजना हुई, तो जी हाँ, इसमें आपका विभत रस की अभिव्यंजना हुई है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से तम का पर्यायवाची लिखे। तो तम का पर्यायवाची क्या होता है। तो जी हाँ, तम का पर्यायवाची जो है ना वो आपका होता है तिमिर। क्या होता है, तिमिर होता है ना।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण के प्रथम छंद में निम्नलिखित में से कौन सा रस है। तो देखिए भूषण के प्रथम छंद में ना वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। तो जी हाँ, इसमें भूषण की जो रचना है ना वह है आपका शिवराज भूषण। इसमें से शिवराज भूषण जो है वह आपका भूषण की रचना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं। तो देखिए ये ना आपके रीति मुक्त धारा के कवि हैं, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कविता में प्रथम पद में कौन सा रस है। कविता यहाँ पे लिखा है, कवित नहीं होगा, कविता होगा। तो कविता के प्रथम पद में ना आपका वीर रस है। यही क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग रिपीट किए हैं ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कवित के कवि हैं, कवित्त के कवि कौन है। तो जी हाँ, कवित्त के कवि जो है ना वो आपके भूषण है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण की उपाधि दी थी, किसकी उपाधि दी थी। तो जी हाँ, इसमें आपका चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी, इसे आपको याद रखना है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो जी हाँ, शिवाजी के पुत्र का नाम जो था ना वो साहूजी था। क्या था? साहूजी था। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, बताइए। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, इसमें टोटल 52 मुक्तक है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि छत्रसाल दशक में छंद हैं, कितने छंद हैं। तो जी हाँ, इसमें आपका छत्रसाल दशक में जो है ना टोटल 10 छंद है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिता का क्या नाम था, बताइए। क्वेश्चन पहले भी हुआ है ना। तो जी हाँ, भूषण के पिता का नाम जो है ना वो रत्नाकर त्रिपाठी है। क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भूषण किस काल के कवि थे, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए भूषण जो है ना वो आपके रीति काल के कवि हैं। किसके काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शिवावासिनी में कितने मुक्तक हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ना। जी हाँ, तो यहाँ शिवावावनी में कितने मुक्तक हैं? 52 मुक्तक हैं, माफ़ कीजिएगा ना। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट भी है और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। देखिए कौन थे? तो जी हाँ, चिंतामणि त्रिपाठी जो थे ना वो भूषण के भाई थे, याद रखिएगा ना। चिंतामणि त्रिपाठी कौन थे? भूषण के भाई थे। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है, बताइए। किसके वीरता का बखान है? तो जी हाँ, इसमें बेसिकली शिवाजी के वीरता का बखान है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है, बताइए। तो किसकी कृति है? तो जी हाँ, छत्रसाल दशक जो है ना वो आपका भूषण जी की कृति है, कवि भूषण जी की कृति है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, बताइए। किस रस को प्रमुखता दी है? तो जी हाँ, भूषण ने जो है ना वो वीर रस की प्रमुखता जो है वो दी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, बताइए। तो शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो देखिए इसमें ना टोटल आपका 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण की कृति नहीं है, इसमें से कौन सी है जो कि भूषण की कृति नहीं है? तो वो है आपका हर्षोल्लास। यहाँ पे रच छूट गया है ना कि हर्षोल्लास जो है ना वो आपका भूषण की कृतियाँ नहीं है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूषण के प्रिय नायक है, भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो जी हाँ, भूषण के प्रिय नायक जो है ना आपका छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शिवराज भूषण किसकी कृति है। तो जी हाँ, शिवराज भूषण जो है ना आपकी भूषण की कृति है। देखिए ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट ज़्यादा नहीं है, बस रिपीटेड एक दो ही क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। तो जी हाँ, भूषण ने जो कविता लिखी है ना उस कवि का नाम है कवित। कवित कविता को भूषण जी ने लिखा है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। देखिए यही क्वेश्चन आपका घुमा के दिया है ना। तो जी हाँ, इसके कवि कौन है? तो वह है आपका भूषण। दोनों क्वेश्चन आपका सिमिलर क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है। तो भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है? तो जी हाँ, ये आपके रीति युक्त धारा के कवि हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कवि के प्रथम पद में कौन सा रस है, बताइए। तो कौन सा रस है? तो जी हाँ, कवि के प्रथम पद में वीर का रस है ना। चलिए वहीं आगे का क्वेश्चन है आपके पास कि कवित में द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, बताइए। किस रस की अभिव्यंजना हुई? तो जी हाँ, कवित में द्वितीय पद में आपका विभत्स रस की व्यंजना हुई है।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो भूषण ने जो रचना की है ना वो आपकी औधी भाषा में सारी चीजों की रचना की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लागदी लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो जी हाँ, इसमें जो अलंकार है ना आपका अनुप्रास अलंकार है, इसे याद रखिएगा ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है। तो जी हाँ, भूषण ने समुद्राग्नि से जो है ना वो शिवाजी की तुलना जो है ना वो की है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। तो जी हाँ, भूषण के प्रथम दंड में जो है ना वो आपका वीर रस है। देखिए ना, एक ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके दिया हुआ है, इसे आप याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन कहीं भी उलट पलट के भी दे तो आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो देखिए, आपका भूषण के द्वितीय छंद में जो अभिव्यंजना हुई है वो है आपका रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। देखिए, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि भूषण के द्वितीय पद में ना, कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो वह है आपका रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रल भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली आपका कौन सा अलंकार है, तो आपका रूपक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सी कृति भूषण की है। तो जी हाँ, इसमें से जो कृति है ना भूषण की है आपका शिवा वापनी। शिवा वापनी जो है ना वो आपका भूषण की कृति है। तो चलिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग जैसे CGL में साहित्य निर्धारित कवि के बारे में सारे कवियों के बारे में डिटेल्स में स्टडी कर चुके हैं। बाकी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। ये अगर आपने सारा का सारा क्वेश्चन अगर रिविज़न कर लिया ना, इसमें लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ, अगर इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको साहित्य निर्धारित कवि से जितने भी प्रश्न आएंगे ना वो एक भी नहीं छूटेंगे, ये गारंटी है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारा वीडियो को स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।